माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कैसे बदलें। आज जहाँ पे पीडीएफ इतना ज़्यादा यूजफुल हो चुका है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फाइल है, वहाँ पे ये सवाल भी आना लाजमी है, क्योंकि पावर पॉइंट में बहुत सारे नोट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस वीडियो क्लास में आप सीखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में बदलना। तो यहाँ मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखा है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन है। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाया था। इस प्रेजेंटेशन को हम पीडीएफ में बदलना चाहते हैं। इसे बदलने के लिए अगर आपके पास पावर पॉइंट का लेटेस्ट वर्जन है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर पुराना वर्जन है तब आप दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हम आपको बताने वाले हैं। पहला तरीका लेते हैं लेटेस्ट वर्जन के थ्रू। तो इसके लिए आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस, इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप जहाँ पर इसका पीडीएफ सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन ले लें, जैसे हम डेस्कटॉप ले रहे हैं और इसका नाम हमने डाल दिया पीपीटी पीडीएफ। ओके, नीचे सेव एज टाइप में आप देख सकते हैं पीडीएफ लिखा हुआ आ रहा है। अब पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा पीडीएफ तैयार हो चुका है और ये ओपन होके आ भी चुका है। चलिए जूम को मैं थोड़ा कम करता हूँ जिससे आप सारे स्लाइड्स को देख पाएंगे पीडीएफ के रूप में। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, काफ़ी इजी वे में ये पीडीएफ को बना लेता है। लेकिन अगर आपके पास पुराना वर्जन हो जिसमें ये ऑप्शन नहीं था तो क्या करें? तो इसके लिए आपको एक कोई भी पीडीएफ एडिटर या रीडर इंस्टॉल कर लेना है, जैसे एक्रोबैट रीडर ले सकते हैं, फॉक्सिट रीडर ले सकते हैं, या नीटो वगैरह कोई भी ऐसा फ्री का वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें आपको प्रिंटर मोड इनेबल कर देना है। उसके बाद जाना है फाइल में, प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको वो पीडीएफ रीडर ले लेना है जो आपने इंस्टॉल किया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे पीडीएफ रीडर हमें दिख रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ और नीट्रो पीडीएफ क्रिएटर। तो जो भी आपके पास है उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पे ये आपको ऑप्शन देगा कि कहाँ पे आप इसे सेव करना चाहते हैं। चलिए इसे भी मैं डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं वही नाम छोड़ देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और लास्ट में हम लिख देते हैं पीडीएफ और सेव पे हमने कर दिया क्लिक। ऐसा करने से ये इसे प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट करते हुए ये उसे पीडीएफ बना देगा। तो किसी भी फाइल को पीडीएफ में बदलने का ये सबसे आसान तरीका है अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से हमारा पीडीएफ तैयार होके आ चुका है। तो ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने प्रेजेंटेशन फाइल को पीडीएफ में बदल सकते हैं। ये देखिए, दोनों फाइलें हमारे डेस्कटॉप पे शो हो रही हैं। पहला ये फाइल है जो हमने पीडीएफ को एक्सपोर्ट के थ्रू बनाया था, और दूसरा हमारा वो फाइल है जिसे हमने प्रिंट के थ्रू क्रिएट किया था। हाँ, प्रिंट के थ्रू जो आप फाइल तैयार करते हैं वो थोड़ा छोटा भी होता है, तो अगर आपको लगे कि आपका पीडीएफ फाइल काफ़ी बड़ा बन रहा है, उसे कंप्रेस करने की आवश्यकता है, तो आप प्रिंट वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।